ये वर्क परमिट क्या होता है, क्यों लेते वर्क हैं? परमिट, वर्क परमिट इज ए रिटन रिटन डॉक्यूमेंट्स, इट इशू बाय द इशूअर एंड रिसीव बाय द रिसीवर। और सर ये वर्क में साइट करने से पहले इसको इशू किया जाता है। सर इसमें वर्क परमिट में क्या होता है सर कि कितने वर्कर काम कर रहे हैं वो लिखा रहता है, और क्या एक्टिविटी हो रही है, किसके द्वारा गेस्ट टेस्टिंग किया गया है, और सर किस तरह करना है स्टेप बाई स्टेप, लाइक जेएसएस सिस्टम सर, जो सेफ्टी एनालिसिस। और ये एक्सीडेंट का डेफिनेशन बताइए मुझे। एक्सीडेंट मीन सर जैसे हमारे हमारे फील्ड में यदि कोई काम चल रहा है तो अनवांटेड और अनहैपेंड जो होता है सर, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, कोई ऐसा एक्टिविटी यदि गलत तरीके से हो जाता है जिसके कारण हमारे जैसे हम किसी मशीन के द्वारा काम कर रहे हैं, यदि हमारे मशीन को हानि हो रहा या किसी वर्कर को ये खतरा हो रहा है, हजार हो जा रहा, चोट लग जा रहा, तो इसका एक्सीडेंट कहते हैं। अच्छा, हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल है ना, नाम सुना जी होगा सर, आपने। जी सर। तो क्या है ये? हेजार्ड कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो सर हम इंडस्ट्री ऑफ हेजार्ड का उपयोग करते हैं, जिसमें एलिमिनेट आता है सर, सब्स्टिट्यूशन आता है, और इंजीनियरिंग कंट्रोल आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और लास्ट में सर पीपी आता है। पीपी सर, पीपी जो होता है सर वो लास्ट स्टेप में आता है, और इससे हम किसी हेजार्ड को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कम चोट लगता है सर, यदि उसको हम पीपी को प्रॉपर यूज करेंगे तो। कन्फाइन स्पेस क्या है? सर कन्फाइनमेंट इज ए डिफरेंट एरिया विच इज स्मॉल एंड एनक्लोज्ड, देयर वन एग्जिट एंड वन एंट्री, एंड एनीबॉडी कैन नॉट वर्क कंफर्टेबली इन एनी कंडीशन, दैट इज कन्फाइनमेंट स्पेस। सर व्हाट इज हैजार्ड इन कन्फाइन स्पेस? प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, फायर एंड एक्सप्लोजन, पुअर वेंटिलेशन, पुअर एल्यूमिनेशन, ऑक्सीजन डिफिशियंसली, ऑक्सीजन इंडिजमेंट, सफोकेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सेट्रा सर। कन्फाइन स्पेस में कॉमन हजार्ड्स क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर कन्फाइन स्पेस में जब भी हम एंट्री करते हैं उसके लिए हमें वर्क परमिट लेना पड़ता है, तो सबसे पहले हम उसमें गेस्ट टेस्टिंग करते हैं एजीटी के द्वारा, ऑथराइज गेस्ट टेस्टर, तो उसके द्वारा हम गेस्ट टेस्टिंग करते हैं, तो इसमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा गैस इसमें प्रेजेंस है, कौन सा गैस कन्फाइन स्पेस में है। तो सबसे पहले हम उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन करते हैं, ताकि जो गैस है वो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो सर साइलेंट किलर होता है वो गैस, तो यदि वर्कर को पता नहीं होगा और वो कन्फाइन स्पेस में काम करेगा तो सर वो साइलेंट किलर हो गया, वो अचानक मर सकता है या बेहोश हो सकता है, तो इसलिए हमें सबसे पहले प्रॉपर वेंटिलेशन करना चाहिए वहाँ पर, ताकि जो गैस है वो बाहर निकल सके। कन्फाइन स्पेस में वर्क करना है, उसका प्रिकॉशन क्या है? तो उसके लिए प्रिकॉशन सबसे पहले तो हमें सर पीटीडब्ल्यू लेना चाहिए, वो एंट्री और एंट्री के लिए होता है वर्क परमिट, और एक होता है वर्क परमिट होता है कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए। उसके बाद सर हमें प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम करना चाहिए, और इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, और स्टेनमेन हमेशा सर कन्फाइन स्पेस के बाहर रहना चाहिए, और प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए वर्कर के साथ। और सर यदि इसमें ये वेल्डिंग वाला काम हो रहा है तो उसमें क्या है सर कि गैस जो है ऑटोमेटिक गैस बन जाता है, तो उसके लिए हमें हर 15 मिनट में हमें गैस टेस्टिंग करना चाहिए जैसे क्या होता है? सर। जैसे मीन जो सेफ्टी एनालिसिस ब्रीफ कीजिए कि उसको पूरा। जी सर ये स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं, यदि हम किसी एक्टिविटी हमारे साइट पे चल रही है लाइक डेट सर स्काफोल्डिंग, तो हमें जैसे में स्टेप बाय स्टेप इसे करना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोल प्लेट लगाना पड़ेगा, फिर बेस प्लेट आएगा, उसके ऊपर स्टैंडर्ड आएगा, उसके बाद कपलर आएगा, फिर वर्किंग प्लेटफॉर्म आएगा, और टो बोर्ड आएगा, मिड रेल आएगा, गार्डरेल आएगा। सर गार्डरेल और मिड रेल को ट्रोपरेल और मिड रेल को हम लोग गार्डरेल कहते हैं जी सर। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे में हम लोग उसको राइट करते हैं, ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है अच्छा, इसका फोल्डिंग में जी सर। गार्डरेल और मिडरेल जो लगता है जी सर वो कितना हाइट पे लगता है प्लेटफॉर्म से? सर प्लेटफॉर्म से वो सर एक 1.5 फीट रहना चाहिए सर, प्लेटफॉर्म से 1.5 फीट मटेरियल रहता है, 1.5 मीटर रहता है क्या? 1.5 फीट जी सर, 1.5 फीट 1.5 फीट रहता है जी सर मटेरियल, मटेरियल। और टॉप रेल 8 फीट से सर मटेरियल से ट्रोपेल 1.5 फीट रहता है 1.5 फीट रहता है। जी सर।